दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं लक्ष्मीकांत। मेरे यूट्यूब चैनल पे लेट्स लर्न टू शाइन पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके इंग्लिश राइटिंग को या आपके इंग्लिश राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों जब भी हम लिखते हैं, जब भी हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो हम हाइफन हो, कोई पंक्चुएशन मार्क्स हो, कोई ब्रैकेट हो, कोई कॉमा हो, कोई बहुत सारी जगह हम मिस्टेक करते हैं। कभी कभी हमारी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होते हैं, कभी हमारा पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटलाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो इन सभी बातों को हम बहुत ही इजी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मैंने आपके लिए लाया हूँ जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस सॉल्यूशन को देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए तो फिर देखते हैं इस जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बोला है उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का नाम है ग्रामरली, जो मैं गूगल ब्राउजर पे जाके इसको सर्च करूंगा। जैसे ही मैंने गूगल ब्राउजर को ऐसे सर्च किया तो मुझे डायरेक्ट इसकी वेबसाइट जो है मुझे दिखने लग गई। दोस्तों इस वेबसाइट पे मैं जाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस सॉफ्टवेयर को मैं रिव्यू राइटिंग के लिए, कोई ग्रामर चेक के लिए, पंक्चुएशन मार्क्स हो, कोई क्लैरिटी हो, कोई थॉट्स प्रोसेस में एंगेजमेंट हो, या फिर डिलीवरी इन मिस्टेक्स हो, इन सभी बातों में इसका यूज किया जा सकता है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो स्किल्स है, हमारे राइटिंग स्किल्स है, जिसके जो हम बोलते हैं कि इंग्लिश इज द अकिलीज हील ऑफ आवर स्टूडेंट और ऑफ आवर पीपल, सो दिस सॉफ्टवेयर में हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्किल एंड कम आउट फ्रॉम दिस और टू ओवरकम ऑन दिस अकिलीज हील। ओके, सो लेट अस एंजॉय दिस सॉफ्टवेयर। आई एम गोइंग टू, यू कैन सी दिस इज द वेबसाइट www.grammarly.com। यू कैन हिट दैट बटन। डियर स्टूडेंट, दिस सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फ्रीली दैट यू कैन एड टू योर क्रोम ब्राउजर। जो ये सॉफ्टवेयर है ये आपके क्रोम ब्राउजर को भी यूज एड कर सकते हैं, और इसको जो ऑफलाइन में है या ऑनलाइन में है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको यूज कर सकते हैं। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको इस तरह से वो काम करता है। ओके, तो चलिए तो फिर मैं इस सॉफ्टवेयर को पहले लॉग इन कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन बेसिक सॉफ्टवेयर है। तो इसको आपको गूगल का जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जो जीमेल अकाउंट के थ्रू इसमें आप लॉग इन किए तो सीधा आपको जो बेसिक फीचर है और जो कुछ बातें या जो कुछ आपको करना है इसके साथ में वो आप इजीली कर सकेंगे। ओके, तो मैंने लॉग इन कर लिया है, ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। आप इसको ग्रामरली आपके डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उतना कुछ करूंगा नहीं, तो मैं सीधा एक डॉक्यूमेंट जो है वर्ड फाइल है आपके स्क्रीन पे लाइव कैसे चेक करते हैं उसका एक डेमो आपको दिखाऊंगा। ओके, तो मैं एक न्यू नाम के फाइल पे या फोल्डर पे क्लिक किया जहां पे मैं फाइल अपलोड भी कर सकता हूँ या पेस्ट और कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वर्ड फाइल को कॉपी किया आपके सामने, और जैसे मैंने कॉपी किया तो कुछ इस सॉफ्टवेयर का काम करना शुरू हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया या पेस्ट किया तो ये सॉफ्टवेयर मुझे बताता है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की है। तो देखिए ये जो है रेड लाइन आपको शो कर रही है कि इसमें स्पेस नहीं है, तो इस स्पेस को हम इस तरह से क्रिएट या करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक यहाँ पे जो है मैंने द को कैपिटल नहीं किया है, तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब आपके राइटिंग जो है बहुत ही इम्प्रूव, बहुत ही क्वालिटेटिव, बहुत ही विदाउट मिस्टेक यू कैन प्रेजेंट योर थॉट्स विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये जो वर्ड्स है जहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ मैंने एक वर्ड मिस किया है, जैसे का सैक्रिफाइस में एक गलत है, तो ये सॉफ्टवेयर मुझे बोलेगा या बताएगा जिसमें इसमें स्पेस नहीं है। तो ये सब बातें इजीली मुझे बहुत ही टाइम सेविंग, ये भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो ये जो है आप आपके घर में, आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्लैरिटी कितना है ये सॉफ्टवेयर मुझे बताएगा,
कि करेक्टनेस कितना है, क्लैरिटी कितना है इस थॉट प्रोसेस में, या जो लिखे लिखा हुआ जो कुछ मटेरियल है इसमें एंगेजमेंट कितना है और डिलीवरी ऑफ मीनिंग कितना है. ओके, सो माय स्कोर इज 79%. ओके, दिस इज हाउ यू कैन चेक योर एनी वर्ड फाइल, एनी वर्ड फाइल. ओके, सो इस तरह से आप आपके राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. अभी देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे येलो लाइन शुरू दिखना शुरू हो गया. तो ये जो येलो लाइन दिखता है तो ये आपके कंस्ट्रक्शन को या आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को और भी इम्प्रूव करने की सलाह देता है, आपको सजेस्ट करता है. तो ये जो येलो लाइन है ये आपको प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है, या ये जो फीचर आपको दिखता है जहाँ पे वर्ड्स आपको सजेस्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन सजेस्ट होता है, तो ये आपको प्रीमियम वर्जन में ही या बिजनेस स्टैंडर्ड वर्जन में ही अवेलेबल है, बेसिक वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है. ओके, तो बेसिक वर्जन और प्रीमियम वर्जन में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको जस्ट एक फीचर्स उसके दिखा देता हूँ जो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे. क्या है, देखिए बेसिक फीचर क्या है कि क्लैरिटी, फोकस, सेंटेंस राइटिंग, प्लेजियरिज्म डिटेक्शन, टोन एडजस्टमेंट, वर्ड चॉइसेस, फॉर्मेलिटी लेवल, फ्लुएंसी, एडिशनल एडवांस सजेशंस. और इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो प्लान है, बेसिक प्लान और प्रीमियम प्लान, ये बेसिक तो फ्री है लेकिन प्रीमियम प्लान लेना है तो 12 US डॉलर आपको पे करना पड़ेगा. अगर बिजनेस स्टैंडर्ड का आप सॉफ्टवेयर वर्जन यूज करते हैं तो आपको 12.50 डॉलर्स पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा या सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ओके, तो ये हो गया ग्रामरली सॉफ्टवेयर का एक पार्ट. तो दोस्तों जब भी हम इसको यूज करेंगे तो यूज करते समय ये सॉफ्टवेयर हमको गूगल क्रोम को भी एक्सटेंशन देने की सलाह देता है. ओके, तो जब भी हम इसको यूज करेंगे तो हमारा जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है, हमको टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर का इजीली यूज कर सकते हैं. ओके, तो मैं इस सॉफ्टवेयर का एक और छोटा सा फीचर आपको दिखा देता हूँ जो आप इसको क्रोम को अटैच कर सकते हैं. जस्ट मेरा लॉगिन करने का प्रोसेस शुरू है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे कुछ आपको फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे. और फीचर्स देखते देखते आप दोस्तों बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपना काम इजीली कर सकते हैं. ओके, तो अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को क्रोम को अटैच करना है तो ये यहाँ पे दिखाएगा, या आपके क्रोम ब्राउजर के लिस्ट में ये यहाँ पे मैंने इसको पिन कर दिया है. ओके, तो इसका यूज मैंने ऑफलाइन या ऑनलाइन राइटिंग के लिए भी कर सकता हूँ, जिसके थ्रू आप अच्छा सा एसे लिख सकते हैं, आप अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं, अच्छा सा लेटर लिख सकते हैं, या कोई मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं, पेपर के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं, या कोई रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं. तो दोस्तों ये वीडियो कुछ स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो ये हर एज के स्टूडेंट के लिए या व्यक्ति के लिए है जो इसको यूज कर सकता है. मतलब 8वीं से 10वीं के बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं, 11वीं 12वीं के भी बच्चे इसको यूज कर सकते हैं, इवन टीचर्स कैन ऑल्सो यूज दिस सॉफ्टवेयर. सो दैट बहुत बार ऐसे होता है कि इस सॉफ्टवेयर, जैसे कोई रिटर्न मटेरियल है तो भैया इसको चेक करके दे, ऐसे हम बोलते हैं. तो जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड एंजॉय द मिस्टेक फ्री राइटिंग, और जस्ट इम्प्रूव योर स्किल विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. ओके, सो आई होप माई डियर स्टूडेंट यू लव दिस सॉफ्टवेयर वेन यू स्टार्ट यूजिंग. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. लेट्स लर्न टू शाइन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.